आप देख रहे हैं द न्यूज़ इंडिया और नजर डालते हैं उस अगली खबर पर जो कि बड़ी खबर है और जो आ रही है मध्य प्रदेश से। चलिए देखते हैं इस खबर को। शिवनी मालवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हड़कंप मच चुका है। थाना शिवपुर से धारा 376 बलात्कार के आरोपी को मेडिकल के लिए लाया जा रहा था, इसी दौरान अस्पताल परिसर से शौचालय जाने को बोलकर भाग गया और फरार हो गया और ये खबर आग की तरह फैल गई। पुलिस अधिकारियों ने आनन फानन में तलाश भी शुरू कर दी। आपको बता दें कि थाना शिवपुर में बीएस सोलंकी, जिसकी उम्र लगभग 26 साल है, बलात्कार के मामले में आरोपी बनाया गया था, जिसे मेडिकल के बाद कोर्ट में पेश करके जेल भेजना था, लेकिन इससे पहले ही वो पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पर आपको बता दें पुलिस ने भी तुरंत मुस्तैदी दिखाते हुए उक्त आरोपी को धर दबोचा, रेलवे लाइन के पास धर दबोचा इस आरोपी को। और ये आरोपी थबोरा घाट का रहने वाला बताया जा रहा है। थाना शिवपुर पुलिस के सिपाही सुनील जाट और पंकज अवस्थी ने तुरंत आरोपी को पकड़कर पुनः मेडिकल कराकर कोर्ट में पेश करवा दिया। आरोपी पकड़ा गया, वरना पुलिस की लापरवाही और निष्क्रियता पर सवालिया निशान लगना तो तय थे। चलिए इस बारे में डॉक्टर रघुवंशी से जानकारी लेते हैं। सर, ये अभी क्या मामला हुआ कैदी का? जी, मैं अभी सिवनी मालवा CSC में ड्यूटी पे हूँ। तो ये लगभग 3 बजे का मामला है, जिसमें एक कैदी को मेडिकल परीक्षण के लिए मेरे पास लाया गया था। तो उस दौरान जो है, उसका नाम है VS सोलंकी, उम्र है उसकी 26 वर्ष, धावड़ा घाट का है, थाना शिवपुर है। इसमें 2 सिपाहियों द्वारा उसको लाया गया था इसमें मेडिकल के लिए। उसके बाद वो यहाँ से जो है अस्पताल से अभी फरार हो चुका है। इसकी अभी तक मुझे कोई सूचना नहीं मिली।